एवरीवन, एज यू नो दैट योर एसएससी एग्जामिनेशंस आर ऑन द होराइजन। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल फुल फेज लास्ट फेज में होगी क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ 20 to 25 days बचे हैं। ठीक है, तो ये जो 20 to 25 days हैं ये आपके प्रिपरेशन के बहुत ही ज्यादा क्रुशियल डेज हैं, बिकॉज यहाँ पर आप अपने स्कोर को, अपने अपने प्रिपरेशन को फाइनल टच दे रहे हैं। सो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं इन दीज 20 to 25 days। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू स्टेप्स, नॉट टिप्स, मैं कोई टिप्स नहीं दे रही, कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स की मैं बात कर रही हूँ। हार्डली 5 steps आई विल बी डिस्कसिंग कि अगर आप इन 5 steps को अभी तक अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं, सो प्लीज स्टार्ट डूइंग देम फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एंड सी इफ दे हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर स्कोर और नॉट। ओके, सो टारगेट यही है कि अगर अभी आपका 30 to 35 marks आ रहा है, सो हाउ यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स फ्रॉम 30, 35 to 45 or 50 marks। ओके, तो चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले एसएससी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट थिंग है ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको इंग्लिश के बहुत सारे सेक्शंस में काम करेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए होता क्या है कि एसएससी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चंस आर इजी बट ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग। क्वेश्चंस अक्सर आप देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट जो ऑप्शंस होते हैं दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दी में, बिकॉज एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, हम जल्दी में सारे ऑप्शंस देखते नहीं है। एक क्वेश्चन हमारे सामने दिखा एंड दिस क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी, और आपने 4 ऑप्शन में से देखा कि ये एक सही आंसर लग रहा है, यू मार्क दैट। अब आपने बाकी ऑप्शन देखे नहीं कि बाकी के जो ऑप्शन थे उनमें भी सी भी बहुत क्लोज था इसे, तो इससे क्या होता है कि अब पता चला कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ए से ज्यादा अप्रोप्रिएट सी ऑप्शन हो गया, तो इसमें आपके माइनस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज व्हाई मैं कहूंगी कि इंस्टेड ऑफ मार्किंग द राइट आंसर, डायरेक्ट राइट आंसर मार्क करने से बेटर है कि आप पहले एलिमिनेट कर लीजिए कि नहीं बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो जब आप इस तरह से एलिमिनेट करेंगे तो आपको क्लोज ऑप्शंस दिखेंगे और आपको फिर समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं जिसको आप पॉजिटिव नेगेटिव रख करके ग्रामर वोकैब सब कुछ अप्लाई करके देन यू कैन मार्क द आंसर्स। तो हो सकता है जब आप इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और फिर जब आप क्लोजली दोनों ऑप्शन को इवेल्युएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए इज नॉट द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सो दैट इज वाई ऑप्शन एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन दो तरीके से काम कर सकता है, जब आपके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो या फिर जब आपको ना आता हो, क्वेश्चन जो है वो नहीं दिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड वे कैसे वर्क करेगा। ओके, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको क्लोज टेस्ट में काम करेगा, बिकॉज क्लोज टेस्ट में ये वाला कंसेप्ट बहुत अप्लाई होता है कि ऑप्शंस आर वेरी वेरी क्लोज। अब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, कभी कभी होता है कि पैसेज में आगे आपको हिंट दिया होता है कि यहां पर कौन सा फिट बैठेगा, तो ये जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वाला केस है वो क्लोज टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पैरा जंबल्स में कभी कभी पैरा जंबल हमें कुछ नहीं पता होता, हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से करने से पैरा जंबल इट विल सेव टाइम। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं तो पैरा जंबल में इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। वोकैब्स में ऑप्शन एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत बार आप कितना भी प्रिपरेशन करके जाएं, बट एग्जामिनेशन में 2-4, 1-2 वर्ड ऐसे होंगे ही होंगे जो आपके लिए नए होंगे। इफ यू गेट सच न्यू टर्म्स, जैसे यहां पर एक वर्ड है जो आपके लिए न्यू वर्ड है, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। अब ऑप्शन में आपको 3 वर्ड पता है, ये 4 ऑप्शन है, आपको 3 पता और आपको पता है कि ये तीनों मिलता जुलता है, ये तीनों आपने सुना भी है, तीनों मिलता जुलता है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इट मींस ये 3 आंसर तो नहीं होंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो है क्वेश्चन के ऑप्शन एलिमिनेट करके यू गेट द आंसर, तो एलिमिनेशन इज द की, रिमेंबर दैट। तो ऑप्शन एलिमिनेशन आपको क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, वोकैब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर जगह हेल्प करेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। नाउ क्विकली लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करें, बिकॉज आपके 0.5 के नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 question carries 2 marks। ओके, इन प्री 1 question carries 2 marks। अब इफ यू लीव एनी क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, इफ यू लीव इट अनअटेम्प्टेड, सो यू लूज ओनली 2 marks, आप सिर्फ 2 नंबर जाता है आपका। बट अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो इट कैरीज 0.25, ये आपका 0.2 आपका डिडक्ट होता है।
तो इट मीन्स अगर आपने दो क्वेश्चन भी गलत हो गए तो एक नंबर तो आपके ऐसे ही चले गए माइनस मार्किंग में। देखिए कुछ बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे वहां पर आपका माइनस मार्किंग होगा, दैट इज ओके, बट कुछ आता नहीं है और जबरदस्ती आपने सिर्फ एक गेस वर्क करके आंसर मार्क कर दिया, प्लीज डोंट डू दैट। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग बिकॉज एक एक नंबर से 0.5 से आपका सिलेक्शन रुकता है। सो दीज 0.5 मार्क्स आप माइनस मार्किंग से सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं करेगा, इट विल ओनली हेल्प यू इन बूस्ट योर स्कोर, आपके स्कोर को इंक्रीज करेगा। तो जितना पॉसिबल हो पाए अगर आपको कोई चीज नहीं पता स्किप कर दीजिए रादर देन मार्किंग द रॉन्ग आंसर्स। ओके नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक रिस्क। अब देखिए ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला और ये थर्ड पॉइंट बोला, यू विल सी कि मैम आप तो कंट्रारी चीजें बता रही हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूं कि कैसे रिस्क लेना है। यू कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसा नहीं बोल रही कि एकदम अंधे में आप तीर लगा दीजिए, नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो। और ये रिस्क कभी भी ग्रामर में नहीं लेना है बिकॉज ग्रामर के लिए कोई रिस्क है नहीं, ग्रामर इज प्योर रूल बेस्ड। और अब तक तो मुझे पता है ये जो लास्ट फेज है इसमें रूल पढ़ने की फेज नहीं होती, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का फेज होता है। तो ग्रामर आपने जो पढ़ना था जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है, ठीक है। तो ग्रामर में कभी भी आपका रिस्क नहीं होगा, जो भी रिस्क होता है वो आपके वोकैब में होता है। और रिस्क का भी एक डिफाइंड रेशियो है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यू कैन टेक ओनली 70:30 रिस्क, मतलब 70% यू आर श्योर, 30% आपको डाउट हो रहा है, 80% यू आर श्योर, 20% आपको डाउट हो रहा है, टेक दिस रिस्क, इसको ले लीजिए। ऐसे रिस्क लेने में फायदा भी है। अगर आपने दो क्वेश्चन में भी ऐसा रिस्क लिया, तीन क्वेश्चन में भी लिया, अगर उसमें से एक या दो भी सही हो गया तो भी आप फायदे में होंगे, ठीक है। सो टेक कैलकुलेटेड रिस्क बट अंधे में तीर नहीं चलाए, अंधेरे में तीर मत चलाइएगा, दैट आई एम टेलिंग यू। ओके देखिए रिस्क मैं कैसे बोल रही हूँ, जैसे सपोज वो कैब है, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि कोई वर्ड है जो बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। अब ऑप्शंस में आपने देखा चारों की मीनिंग नहीं पता आपको, नीदर यू नो दिस वर्ड नॉर यू नो ऑल द ऑप्शंस, लीव इट, इसका सीधा आंसर होगा स्किप, बिकॉज आपको ना तो ये पता और ना ही ऑप्शंस में जो है वो कुछ पता है, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं हो सकता, यू विल सिंपली स्किप। बट कभी क्या होता है कि वर्ड तो नया है, ठीक है, नाउ यू आर गिवन फोर ऑप्शंस, आपको बी और डी पता है कि ये नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज नोन टू यू, ठीक है, ये आपको पता है ये नहीं हो सकता। आपको कंफ्यूजन ए और सी में है, ठीक है, ए और सी में से कौन सा होगा इसमें कंफ्यूजन है, तो थोड़ा डाउट है, दो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए, दो में से एक होगा, तो इतना रिस्क आप ले सकते हैं। यू कैन टेक दैट मच कैलकुलेटेड रिस्क इन वोकैब, वोकैब में आप ले सकते हैं इस तरह का रिस्क। ओके आई होप आते क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि वर्ड आपको नोन है, द वर्ड दैट इज गिवन, ये वर्ड जो आप दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा वो आपको पता है, बट ऑप्शंस में चार में से दो वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं पता, ये तो पता है, ठीक है, वन सेकेंड, कि आपको ये जो वर्ड है ये आपको पता है, और ऑप्शंस में से आपको ये भी पता है और आपको ये भी पता है कि ये दो की मीनिंग है जो इससे मिलती जुलती नहीं है, तो आप इसे एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज यू नो कि आपको ये वर्ड पता है और ये मीनिंग उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप इसे एलिमिनेट कर देंगे। नाउ यू हैव डाउट कि आपको बी और सी की मीनिंग नहीं पता, तो आप इनमें से भी कोई एक रिस्क ले सकते हैं। तो वोकैब्स में कैलकुलेटेड रिस्क लेना अलाउड है, ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशन में तो कभी रिस्क हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पैरा जंबल क्लोज टेस्ट ग्रामर आरसी इनमें कोई रिस्क नहीं होगा, बट यस वोकैब में आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इन सारी चीजों को एनालाइज कैसे करें, डायरेक्ट जाकर के एग्जाम में तो नहीं दे देंगे, ठीक है। तो अभी से प्लीज गाइस, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स दे आर पैनेसिया फॉर एसएससी एग्जामिनेशन बिकॉज एसएससी का अपना एक अलग सेट ऑफ थिंग्स है। मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन दिया है उसके चार ऑप्शन है, वो कैप में भी ऐसे बहुत बार होता है कि ये चारों ऑप्शन आपको तो पता है सिनोनिम है, यू नो कि सारे सिनोनिम्स हैं, नाउ यू आर कंप्लीटली कंफ्यूज कि इसमें से लगाए क्या। सो हियर वी गेट टू नो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला जो चॉइस है, इस तरह के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ पर ये अप्लीकेबल होता है, ये चीजें आपको सिर्फ तभी पता चलेंगे जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत थॉरली दिया हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बहुत पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए था, अगर आपने नहीं दिया है तो अब से भी 25 डेज में डेली प्रीवियस ईयर दीजिए, अगर आपने पहले कभी नहीं दिया तो। जो लोग बिल्कुल न्यू है, दोज हु हैव नॉट टेकन एनी प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको डेली बेसिस पे देना है।
बट यस, अगर आपने पहले भी दे रखा प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप लगाते थे प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, तो आपको ऑल्टरनेट डेज पर देना है. डू नॉट स्टॉप टेकिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है. सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑनलाइन नहीं मन है ऑफलाइन ही सॉल्व करिए. किरण की बहुत सारे मार्केट में एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, सो आप किरण की किसी के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स ले लीजिए, स्टार्ट सॉल्विंग दे. अब प्रीवियस ईयर पेपर्स में डोंट सॉल्व ओनली लास्ट 3 इयर्स, ये नहीं कि 18, 19, 20 का कर लिए, 21 का कर लिए, हो गया, नहीं. प्रीवियस ईयर पेपर्स आप एसएससी में 2012 का पेपर लगाइए, प्री का, ये मैं प्री की बात कर रही हूँ, 2014 प्री आप लगा सकते हैं, 14 का प्री, 2015 प्री लगाइए, डेफिनेटली लगाइए, ये 17 का प्री लगाइए. तो ऐसे एक दो साल के गैप कर करके आप ये सारे प्रीवियस पेपर्स लगा लीजिए और इनके सभी सेट्स लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ 2, 4 साल या 5 साल के ही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, 10 साल पुराने वाले क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं एसएससी में. तो प्लीज टेक ऑल दिस प्रीवियस पेपर जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया, बिकॉज आई नो कि जिन लोगों ने प्रीवियस पेपर दिया भी होगा तो वो रिसेंट वाले को ज्यादा फोकस क्यों होंगे, 20, 21, 22, और पुराने वाले आपने उतना फोकस नहीं किया होगा. तो अभी टाइम है, आप ऑल्टरनेट डेज पे इनके भी प्रीवियस पेपर्स ले सकते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 सेट मिलेगा हर साल, 3 से 4 सेट मैक्सिमम आपको मिलेंगे. सो टेक देम ऑन ऑल्टरनेट डेज एंड डू द प्रॉपर इवैल्यूएशन. प्रॉपर इवैल्यूएशन करिए कि आपके वोकैब में कौन सा ऐसा क्वेश्चन मिला जहां पर ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थे, फिर एसएससी ने जो आंसर दिया तो वो किस अकॉर्डिंग दिया है. सो प्लीज डू दैट. और जो भी आप बुक लेते हैं, वैसे किरण पब्लिकेशन आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, बिकॉज आंसर्स कुछ हद तक सही होते हैं, एसएससी के आंसर की से मैच करते होते हैं. ओके, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट. और मॉक टेस्ट की जब बात आती है तो ऑलिव बोर्ड इज द बेस्ट, मतलब टॉपर्स प्रेफरेंस आपकी यही होती है कि ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट तो हर कोई देता ही देता है, ठीक है. सो टॉपर्स प्रेफरेंस है. ऑलिव बोर्ड पे भी देखिए हमारे दो तरह के मॉक टेस्ट होते हैं, एक फ्री मॉक टेस्ट होता है, एक पेड मॉक टेस्ट होता है. तो पेड मॉक टेस्ट तो जिन लोगों ने परचेस किया है वो तो देंगे ही देंगे, बट फ्री मॉक टेस्ट भी सबको देना है, जो कि हर सैटरडे संडे होता है. ये जो अब आपको हार्डली 2 से 3 वीक में, आपको 2 वीक या 3 वीक मैक्सिमम यू विल गेट दीज मॉक टेस्ट. ओके, टेक दीज मॉक टेस्ट रिलीजियसली, स्पेशली फ्री वन. इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब आपका कॉम्पिटिटिव एरिया बड़ा होता है तो फिर आपको अपनी वर्थ समझ में आती है कि अगर हमारे यहाँ 80,000 स्टूडेंट्स कोई मॉक टेस्ट दे रहा है तो उस 80,000 के बीच में आपके रैंक क्या है, आप कहाँ लाई करते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये 80K की जगह वो 4 लाख कैंडिडेट्स हो जाएंगे. तो पहले आप अपने आप को 80K में इवैल्यूएट करके देखिए कि आप कहाँ रहते हैं. सो टेक दैट सेम, क्रिएट दैट सेम एटमॉस्फेयर, वही वाला पैनिक रखे, मतलब जैसे आप रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, डू द सेम प्रिपरेशन फॉर फ्री मॉक टेस्ट ऑल्सो गाइज. उसी लेवल की प्रिपरेशन करके रखिए, उस दिन पूरे डे आपका जो एग्जामिनेशन वाला चीजें होती है सब कुछ एज इट इज करके बी रेडी फॉर फ्री मॉक टेस्ट. और कोशिश करिए कि आपका रियल एग्जाम है, आपको यहाँ पर फर्स्ट रैंक लानी ही लानी है. हमेशा कंपटीशन हाईएस्ट रखिए, एम फॉर फर्स्ट रैंक. अगर आप एम ही करेंगे कि 80,000 में से हम कहीं पर भी बस मेरा 50,000 वाला रैंक आ जाए तो उससे बिलो ही रैंक आएगा. तो हमेशा एम फॉर फर्स्ट रैंक, कोशिश करिए, स्ट्राइव फॉर गेटिंग द फर्स्ट रैंक इन दिस फ्री मॉक टेस्ट. और अगर आपका नियर बाय 10, 100 तक भी होता है, स्टिल इट इज ओके. सो एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी मॉक टेस्ट आप देते हैं, वेदर इट इज पेड और फ्री मॉक टेस्ट, ओके. और अब ये मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पर देना है, बिकॉज ये जो लास्ट 20-25 डेज का टाइम होता है ये सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए ही होता है, कि आप उसको जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते दीजिए. एंड डोंट टेक सेक्शन मॉक टेस्ट. ये जो लास्ट टाइम होता है, टेक कंप्लीट प्री का 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है. डेली आपको 2 घंटे स्पेयर करने हैं, 2 आवर्स एवरी डे, 1 आवर फॉर मॉक टेस्ट एंड 1 आवर फॉर एनालिसिस. ये डेली बेसिस पे होना चाहिए विदाउट फेल टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ और चीजें जो अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, दैट इज रीडिंग. न्यूज पेपर रीडिंग की अभी भी आदत छोड़िएगा. ऐसा नहीं कि अभी बहुत कुछ करना है, एग्जाम बिल्कुल करीब है तो हम पढ़ना छोड़ दें, न्यूज़पेपर रीड करना छोड़ दें, नहीं. यू कैन रिड्यूस द टाइम. आप पहले अगर 1 आवर देते थे तो यू कैन रिड्यूस दैट टू 30 मिनट्स, बट डोंट लीव दिस रीडिंग हैबिट ऑफ योर्स, बिकॉज आधे वोकैब, इडियम्स, ये सारी चीजें नए जितने भी होंगे वो यहीं से रीडिंग से ही आपको हो जाएंगे.
एंड ट्राई टू रीड डिफरेंट जर्नल ऑफ थिंग्स, ठीक है? न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे तो एक ही जैसा आर्टिकल मत पढ़िए, अलग अलग तरह के अलग अलग जॉनर के आर्टिकल्स पढ़िए, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट, बिकॉज एसएससी देखिए बैंक डिफाइंड है, बैंक में जनरली हम इकोनॉमी सोशल इकोनॉमिक इन्हीं सारी चीजों को पढ़ते हैं, बट एसएससी में आपका पैरा जंबल, आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका क्लोज टेस्ट वो किसी भी जॉनर से रिलेटेड हो सकता है, साइंस बेस्ड, एनवायरमेंट बेस्ड, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेस्ड, डिटेक्टिव, फिलोसफिकल, कुछ भी हो सकता है, करंट अफेयर्स कुछ भी हो सकता है. तो वेंस यू रीड डिफरेंट जॉनर ऑफ थिंग्स, सिर्फ वही मत पढ़िए जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं भी है उसको भी पढ़िए, देन ओनली एग्जामिनेशन में आप थोड़ा उसको कंसंट्रेशन के साथ या फुल अटेंशन के साथ पढ़ पाएंगे. सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको काफी हेल्प किए होंगे. तो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्कोर. प्लीज फॉलो देम एंड लेट मी नो कि आपके स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है. सो आफ्टर 2-3 डेज यू कैन लेट मी नो कि आपके स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है? और इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल रिप्लाई टू यू. सो दैट्स ऑल, थैंक यू. आप ये मेरा कोड यूज कर सकते हैं अगर आप ऑलिव बोर्ड के मॉक परचेस करना चाहते हैं, ऑलिव बोर्ड के कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो यूज माय कोड सभा. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डेली सुबह 7 बजे मैं खुद न्यूज़पेपर की क्लास लेती हूँ. जैसे अगर जिसको बहुत बोरिंग लगता है तो आप द हिंदू एडिटोरियल जो सुबह डेली 7 बजे मैं लेती हूँ, यू कैन ज्वाइन दिस इनटू एडिटोरियल सेशन. तो यहाँ पर आपका वोकैब, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब सब कुछ आपका इस एक एडिटोरियल से हो जाता है. एंड 9 AM पे एवरी डे आई टेक ऑलिव बोर्ड सीजन मॉक टेस्ट अभी चल रहा है, जिसमें मैं आपको खुद टारगेट देती हूँ कि इंग्लिश में आपका ये टारगेट होना चाहिए. अभी ये एग्जामिनेशन तक आपका कंटिन्यू रहेगा. ओके, सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स एंड फॉर पीडीएफ. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.